हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एक्शन चैनल। माय नेम इज़ राजेश पासवान और आज की जो वीडियो है वो एक बड़ी ही यूनिक सी मुझे एक रिकमेंडेशन आई है और वो खुद मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस पर एक्शन दे रहा हूँ। वो है ड्रैगन बॉल जी। अगर आप में से कोई ड्रैगन बॉल जी फ़ैन है या फिर जापानीज एनिमेशन देखता है तो उसे पता होगा ड्रैगन बॉल जी क्या है। और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका, बहुत टाइम से देख रहा हूँ। मतलब जब मैं 8th 9th में था मैं तब से देख रहा हूँ उसको। और ये अभी ही जिस वीडियो पे मैं एक्शन देने वाला हूँ वो है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वर्सेस जिरेन। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि उनको भी थोड़ा सा समझ में आए। और अगर आपको बिल्कुल मतलब जो है कार्टून या एनिमेशन आपको बिल्कुल पसंद नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, तो आप जा सकते हैं। सो जिनको पसंद है और जिनको ड्रैगन बॉल जी के बारे में नहीं पता, तो इसमें एक कैरेक्टर है गोकू और जो कि मेन है, साथ में एक वेजिटा भी होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में जो है गोकू और जिरेन की फाइट है। एक गोकू एक बहुत ही पावरफुल एक वॉरियर जो है हम उसे ये बोल सकते हैं। और एक ना टूर्नामेंट हो रहा है जो कि सभी गॉड्स करवा रहे हैं, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस करवा रहे हैं और जो भी सुप्रीम है वो। और उस टूर्नामेंट में हर इस एनिमेशन के हिसाब से 11 यूनिवर्सिस हैं और उस 11 यूनिवर्सिस में के जो बेस्ट फाइटर्स हैं वो इस टूर्नामेंट में लड़ने आए हैं और वो सब आपस में लड़ रहे हैं। और जो भी आखिरी वाला मतलब आखिरी में जो बच जाएगा जिस भी यूनिवर्स का वॉरियर, तो उस वॉरियर की कोई भी एक विश को जो है पूरा कर देंगे, ठीक है। और जिस भी यूनिवर्स के सारे ही वॉरियर्स अगर हार गए, ठीक है, तो उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल आर्या वो पारवारी है लड़ाई है, क्योंकि अगर एक भी यूनिवर्स के सारे वॉरियर्स हार गए तो वो यूनिवर्स मतलब उसकी एग्जिस्टेंस ही मिट जाएगी। तो ये ऐसा है। तो फाइनली अब 11 यूनिवर्स में से सिर्फ 2 यूनिवर्स इस क्लिप में जो है बचे हुए हैं, जो इस क्लिप में दिखाने वाला हूँ। और जिरेन जो है वो आई थिंक यूनिवर्स 11 का है और जो गोकू है वो यूनिवर्स 7 का, यानी हमारी अर्थ का है। तो सिर्फ इन दोनों के बीच फाइट हो रही है और जो भी हारा उसकी यूनिवर्स कि एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा बाय गॉड्स और जो बच जाएगा उसकी कोई भी एक विश पूरी कर देंगे, ठीक है। तो ये मोटी मोटी इन्फो थी। और इसमें अब आपको और क्या बताऊँ मैं, और ज़्यादा वो डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस आई होप आपको पसंद आए और अगर आपको एनिमेशन पसंद है तो पसंद आएगा ही। चलो अपना अपना वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ना गोकू जो है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसे गॉड्स भी मास्टर नहीं कर पाते, ठीक है। वो इतनी मुश्किल है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इसे मास्टर नहीं कर पाता, पर गोकू इसमें उसको ना ही अपने अंदर जो है वो वाली जो पावर को वो जगा लेता है पर उसको मास्टर भी कर लेता है, ठीक है। तो ये है इस पूरी वीडियो में और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। 1 2 3 ये है जिरेन और ये आखिरी हमला कर रहा है गोकू पे। अब शायद उसकी पावर जा गई, अब जाएगी। ये इसके दोस्त हैं। ये सीन देख के मुझे बहुत बहुत ही लगता है यार। और ये अभी इसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को जगा लिया है और ये उसका बेटा है गोहान और ये है अर्थ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब अर्थ जिस यूनिवर्स में है। और ये है सुप्रीम गॉड, ये दोनों ही।
क्या बात है, क्या बात है। Yes, it had better be. He cannot afford another misstep. He has already pushed himself so far, reached so deep into every reserve. But it seems he still can't land a decisive blow. In each moment he attempts to strike, his mind is cluttered with thoughts. Kamehameha bahut strong attack hai Goku ka. Jiren has been watching. He is quite tenacious. There's no need to worry. We agree, my lord. And if Jiren continues to attack, that defense will eventually crumble. कोई नहीं, अभी मालूम पड़ेगा. All you're doing is running your mouth. And if you're stupid enough to ignore the obvious implications of that, then I don't even know where you get off calling yourself a god. You're a fool. That's impossible. And you'd bet your life on that. You've seen it with your own eyes destroy you. ये वाली चीख ना भाई साहब, कितनी कमाल है यार। Did that last time against Jiren, right before he ran out of gas. Jiren भी कमाल का बंदा है, कितना powerful है वो, बिना ultra instinct के. It would appear that we have a new reason for hope, Lord Beerus. Goku is focused only on Jiren now, or rather on the battle itself, unrestrained by the walls of thought. Concerns for his universe or the gap in their power. Soon he will reach a realm still faster, keener, and deeper than instinct, where even that awareness will blur and fade. Video थोड़ा सा जो है काट काट के दे रखी हुई है। And all the other rocks near him are getting blown apart too. If he doesn't make a move soon, he'll have nowhere else to go. And what's the answer? There's gotta be something he could do. No more talk. Whichever way he loses, all we have to do is wait, my lord. Yeah, you got that right. अब वो एक अटैक करेगा। जेन इतनी तेजी से अटैक कर रहा है कि ये उसको रोक रहा है उसे। तब तक गोकू अटैक नहीं कर पाया। अब उसकी स्पीड बढ़ रही है। अब उसने एक अटैक कर दिया। देखो यार क्या क्या एनिमेशन है ये। ग्रेट। Thank you.
काफ़ी सीन्स में जो है काटे हुए हैं। चलो अगर सभी सीन दिखाते हैं तो इतनी छोटी वीडियो बनती नहीं। अब वो फाइनली अचीव कर चुका है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। यार वो इम्पोर्टेंट सीन नहीं दिखाया जिसमें सब गॉड्स खड़े होते हैं कोको को रिस्पेक्ट देने के लिए। Surely it's too much for even Jiren to take. बहुत जोर से लगा है पर अब जीरेन भी अपनी असली पावर को जब बाहर निकालेगा। It's not possible. I cannot lose. I won't accept defeat. In all my effort, all I've struggled to achieve, all of it will have been pointless. ये है जीरो की असली पावर। Just completely exploded. How can this be? Goku had the edge. Damn it. जीरेन भारी बढ़ रहा है स्टिल गोकू तो गोकू है। यार जिसने भी ये वीडियोस को एडिट किया है ना तो बहुत से इम्पोर्टेंट सीन को काट दिया है और ये क्या ले आया बीच में वो शिट पूरा वीडियो है ही नहीं। अरे भाई जिसने भी मुझे ये वीडियो रिकमेंड करी थी एक तो लेते पूरा सीन है कि नहीं। कॉपी एड फेयर यूज नोटिस। सो ये थी वीडियो और अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं लगी तो मैं बताऊँगा ओरिजिनल वीडियो को तो देखो। सीन बहुत सही है इसमें बहुत सारे अच्छे सीन जो है वो काट देंगे और जो भी ड्रैगन बॉल जी का फैन है उसको तो समझ में आ ही गया होगा क्या क्या अच्छे सीन्स हैं इसमें। पर जो नहीं पता प्लीज़ इस क्लिप की वजह से जज मत करना। बहुत सही चीज़ है ये अगर आपको एक्शन जो है पसंद है तो ड्रैगन बॉल जी कमाल है। मैं बचपन में बहुत देखता था बेबलेड ड्रैगन बॉल जी तो रात को 10:30 बजे था पापा मुझे डांटते थे कि सो जा चुपके देखता था। फिर उसका एक रिपीट टेलीकास्ट आता था रात के 12:30-1 बजे तो वो अगर मैं 10 बजे वाला मिस कर देता था अपने पिताश्री की वजह से जब वो डांट के मुझे सोने को बोलते थे तो मैं रात को उठ के वो दिखता था इतना पसंद था मुझे वो। फिर बीच में मैं पता नहीं क्यों कार्टून नेटवर्क ने जो बंद कर दिया इसको वो दिखाना। अब तो लिटरली कोई अच्छे कार्टून आते ही नहीं है यार अब सब बच्चों वाले कार्टून आते हैं। पहले कितने सही कार्टून थे आते थे अब तो सब बकवास से कार्टून आते हैं। अब तो सही में ना कुछ
कुछ मज़ा नहीं रह गया। आज के बच्चों को नहीं पता कि असली गार्डन होते क्या हैं, वो हमारे टाइम पे थे भाई। आज के बच्चे तो भाई छोटा भीम वगैरह सब देखते हैं, बच्चों वाले कार्टून। ये ऐसे एनिमेशन ना अब इंडियन जो कार्टून वो चैनल्स हैं उन पे आते नहीं हैं, उनमें वही सब बच्चों वाले आते हैं। हाँ, कोई नहीं, आप बताना आपको ये जो है कैसा लगा, और अगर आप पहली बार इसके बारे में सुन रहे हैं तो ये वीडियो आपको जो है कैसी लगी। मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को समझ में ज़्यादा नहीं आया होगा, पर अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया तो ओरिजिनल ज़रूर देखिए। यूट्यूब पे आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी और आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।